हाय सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर इसरार अहमद का एक बयान है जिसमें उन्होंने क़यामत की 6 निशानियों को बयान किया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क़यामत की वो 6 कौन कौन सी निशानियाँ हैं, ताकि हम लोग भी अवेयर रहें। जब हम लोगों को वो निशानियाँ देखने को मिले तो हमें पता चल जाए कि अब क़यामत आने वाली है। सो किस बात की देर करनी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे अहम मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत, मुत्तफ़क़ुन अलैह क्या, वो तो हज़रत उमर से भी मरवी है, इब्ने उमर से भी मरवी है, इब्ने अब्बास से भी मरवी है, अबू हुरैरा से भी मरवी है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से भी मरवी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। और ये वो हदीस है जिसे कहा गया हदीस जिब्राइल, जिसे उम्मु सुन्ना भी कहा गया। उसमें जो आखिरी सवाल किया हज़रत जिब्राइल ने हुज़ूर से, चौथा, पहला ये था कि इस्लाम क्या है मुझे बताइए, ईमान क्या है उसकी हकीकत क्या है ये मुझे बताइए, तीसरा एहसान क्या है ये बताइए, चौथा ये क़यामत के बारे में बताइए कब होगी। हुज़ूर ने फरमाया कि उसके बारे में जिससे सवाल किया जा रहा है वो उससे ज़्यादा नहीं जानता जो कि सवाल कर रहा है। अब इसके कई मफहूम हो सकते हैं कि बहरहाल, या तो हजरत, चूँकि बाद में मालूम हुआ कि हुज़ूर ने पहचाना नहीं कि जिब्राइल है, बल्कि जब सवाल जवाब होकर वो चला गया शख्स, अचानक हुज़ूर के सर इतना रुद्दू हो ही लिया, अगर बुलाना उसको दोबारा लाना, अब जो देखा गया वजूद ही नहीं उसका, आसमान ने उसको उचक लिया, ज़मीन ने निगल लिया, क्या हुआ है। फिर आपने वो ये जिब्राइल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे जबकि तुम सवाल नहीं कर रहे हो। ये बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, इसलिए कि दुनिया के हमारा निज़ाम इस्लाम पर है, ईमान पर नहीं है। अच्छा, ये जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जो हज़रत जिब्राइल की है, इसमें फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप मुझे ये कब होगी क़यामत नहीं बता सकते तो उसकी कुछ अलामतें बताइए। ये बड़ी अजीम थी, क्योंकि ये तो तमाम अहादीस के अंदर मैंने अर्ज़ किया ना कि सबसे ज़्यादा सहाबा से मनकूल है। और आपने फरमाया कि जब लौंडी अपनी मालिका को जानेगी और तुम देखोगे कि नंगे बदन नंगे पैर भूखे नंगे भेड़ों और बकरियों को चलाने वाले ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करें, इज़ा तलदल अमत रब्बता, क्या बानी है। ये खास अल्फाज क्यों कहे गए, औलाद वालदेन के सामने दबकर रहती थी, कभी सीना तार कर बात नहीं करते थे। ठीक है, कोई बात आप मान नहीं सकते, अब्बा जान ये बात तो मैं नहीं कर सकता, या फर्ज कीजिए कि वो आपको किसी नेकी से रोक रहे हैं कि दीनी काम से रोक रहे हैं, अब्बा जान ये तो मैं नहीं करूँगा, ये तो दीन का फर्ज है, ये कहें आप और डट कर कहें और जमें इस पर, लेकिन ये कि कोई सरकशी का अंदाज ना हो, ऐसा ना हो कि अपने जनाब सीने को तान करके खड़े हो जाए, मैं नहीं करूँगा ये नहीं, ये गलत हो जाए। अच्छा, औलाद में बेटी जो होती थी वो ज़्यादा सबॉर्डिनेट, सबमिसिव, बात मानने वाली, कहीं भी सर ऊंचा ना करने वाली। और आखिरी दौर में क्या होगा, बेटियों से माएँ डरेंगी, उन्हें टोक नहीं सकती किसी बात पर, पता नहीं क्या बक देंगे, क्या बकवास कर दें। ये तो हमारे यहाँ हो गया है, बाहर क्या है, तो आप ये भी नहीं पूछ सकते। आपकी 13 बरस की लड़की आई है रात को 1 बजे, नहीं पूछ सकते कहाँ रही हो, ये रात कहाँ गुजारी, पूछ ही नहीं सकते। ये पूछना भी जुर्म है, अपने छोटे बच्चे को आपने थप्पड़ मार दिया, तहजीब है, सिखाना है, गलत काम किया है, उसकी सरजनिश हो रही है, फौरन वो अगर एक फोन कर देगा पुलिस आएगी, बच्चे को ले जाएगी, उसे लाकर कहीं और जो है डिपॉजिट करेगी और आप पर मुकदमा चलेगा, आपको उसकी सजा भुगतनी होगी। जाहिर बात है कि फिर वहां सरकशी का क्या आलम होगा, फिर औलाद कहाँ सर झुकाएगी, किस दर्जे में झुकाएगी, उसकी तरबियत उस्मानी हुई नहीं। तो अंतरेदल अमत रब बता, गोया के माँ बेटी के नजदीक माँ जो है वो ऐसी हो जाएगी जैसे लौंडी, गोया के लौंडी ने एक अपनी मालिका को जन्म दिया है, बेटी मालिका बन जाएगी और माँ जो है लौंडी बन जाएगी। और दौलत की रेल पेल का उड़ता जुकान, ये जो भूखे नंगे और मुफलिस, क्या हाल था, 100 बरस पहले इन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता था, ये मशरकी साहिल पर थे, ये सिवाय ये कि मछलियाँ पकड़ ली, अल्लाह खैर वो खा ली,
या कहीं उनको बेच दिया, कोई मंडी लग गई, मंडी लग जाती थी वहाँ, और क्या था। और मगरबी साहिब में क्या होता था, सारी उनकी मैसल हज के गिर्द घूमती थी। हाजी आए हैं, खरीदारियाँ कर रहे हैं, अब आपको मालूम है पूरी दुनिया से माल पहले भी पहुँचता था वहाँ, आपको जो है हर मुल्क के हर कोने का फल वहाँ मिल जाएगा आज भी। और वहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी बद्दुओं के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, कुर्बानी का गोश्त, उसे वो सुखाते थे, सख्त चमड़े करके खाते थे, ये उनका हाल था। आज जाकर देखिए नए शहर बन रहे हैं, अमेरिकन्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न शहर बना दो, एक एब्सोल्यूटली मॉडर्न शहर जो है वो जो मशरकी साहिल के ऊपर जो पहले से आराम को सिटी है, अमेरिकन सिटी हो, उसके अंदर कोई सऊदी भी दाखिल नहीं हो सकता सिवाय जिसके पास उस सिटी की तरफ से लाइसेंस ना हो, और उसकी चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी क्या फसील के अंदर कही है, जो चाहो करो, कोई तुम पर पाबंदी नहीं, नंगे नहाओ, तालाब है नहा रहे, नंगी औरतें नंगी मर्द नहा रहे, कोई पूछने वाला। अब इसी किस्म का एक सिटी आबाद होना जा रहा है मगरबी साहिल पर, जद्दा और यमगोह के दरमियान, और इसमें असल में जितनी भी दौलत है जो पेट्रोल की है वो वहीं पर रख ली जाती है अमरीका के अंदर, ताकि अमरीका जो है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाकर जब तुम्हें देगा तो उसमें से पैसे लेगा, वो नहीं मिलती इनको वापस। बहरहाल ये तो एक मैंने एक जगह आपसे जिक्र भी किया था, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिट मैन, वो कन्फेशंस की बात जो है अगर आप ऐसे किसी को दिलचस्पी हो तो उसे पढ़ें, कि किस तरीके से 1973 के ऑयल एम्बार्गो के बाद जो शाह फैसल शहीद के ज़माने में हुआ था, फिर जिस तरीके से अमरीका ने इन तमाम ममालिक को जकड़ लिया है, उसका पूरा जो प्रोसेस क्या था वो सामने आता है। पर इसके बाद आता है अलामात कुबरा का जिक्र, बड़ी अलामतें जो कि बिल्कुल खर्क आदत के अंदाज में होंगी, इनका मामला जो है वो आपके नाप तोल में नहीं आ सकता, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स उसका जो है वो नहीं कर सकती, इदराक होगा ये क़यामत की। उनमें नंबर एक क्या है, एक बहुत बड़ा धुआं आएगा पूरी दुनिया को लपेटेगा। नंबर दो, दज्जाल का ज़ुहूर होगा जो अपनी खुदाई का दावा लेकर आएगा और बनवाएगा, उसके हाथ में हो जाएंगे, कब्जे में हो जाएंगे सारे ज़राए पैदावार के, उसकी तरफ ही पहला कदम उठ चुका हो, ट्रिप्स के नाम से मुआहदा हो चुका है, कोई मुल्क अपना बीज पैदा नहीं कर सकता, ये बीज हमने डेवलप किए हैं, इनके डेवलपमेंट से पहले तुम एक एकड़ से कितनी कितनी गंदू लेते थे, आज कितनी ले रहे हो, किस बिना पर, जेनेटिक्स का जो काम हमने किया है उसके बिना पर हो रहा है, हाँ तो हमारा हक है, इसकी रॉयल्टी हमारे पास आनी चाहिए, लिहाजा सिर्फ उन इदारों से मल्टीनेशनल से खरीदा जाएगा बीज, और बीज भी वो देंगे वो कि जिससे जो फसल उगेगी वो बीज नहीं ला सकते, वो बीज का काम नहीं कर सकते। जैसे आपको मालूम है कि आपके यहाँ जो गोश्त खाया जाता है मुर्गे का, तो मुर्गा वो जो है उसमें मुर्गा हो या मुर्गी हो उसके अंदर कोई वो कैफियत ही नहीं है, उनके अंडे जो है उनसे आप बच्चे हासिल नहीं कर सकते, है तो अंडा, देखने को तो अंडा है लेकिन वो अंडा जो है उससे बच्चा तो नहीं हासिल कर सकते। ऐसे ही वो गंदम का बीज देंगे, नजर आएगी गंदम, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि उससे जो फसल उगेगी उसका नतीजा जो है वो भी आप ले सकते, ये होना है, अल्लाह जाने कदम उठ रहे उधर। फिर ये है कि दाबतुल अर्द, जमीन से एक हैवान नमूदार होगा, जमीन शक होगी, अभी मैं कह रहा हूं खरके आदत है, ये चीजें वो नहीं है जो हमारी किसी हिसाब किताब में, जो बातें पहले आई हैं वो तो हिसाब किताब में आ रही है, सारी समझ में आ रही है, सारी चीजें मुशाहदा उनका हो रहा है, लेकिन यह है कि दाबतुल अर्द, ये कहते हैं कि कोहे सफा, इसमें तो नहीं है हदीस में, कोहे सफा फटेगा और उसमें से एक हैवान दाब्बा वो जाहिर होगा, तो इसीलिए फरमाया है वैजा वकाल कौन अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम, तो हम अंदर से पेट के चीर कर जमीन जमीन के पेट को एक हैवान को बरामद करेंगे जो इंसानों से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा। नंबर चार, तुलू शम्स मिनल मग़रिब, ये भी खर्क आदत, सूरज तो तुलू होता है मशरिक से, गुरू होता है मगरिब में, लेकिन उस वक्त मामला उल्टा हो जाए, यानी जो कायनात के अंदर जो गड़बड़ होगी कुछ समझ में बात आती है कि ये मामला जो है ये तो इस पूरे सोलर सिस्टम को अगर बदल देते हैं तो मशरिक मगरिब हो जाना, मगरिब मशरिक हो जाना, ये समझ में आने वाली बात है।
اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے. یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوں گے، یہودیوں کا قلع قما ختم، تمام یہودی، ایک کام تو یہ ہونا ہے، اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا. عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تو خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں رسول، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ. نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا، میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے یہ. آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بعض جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اثر ان کے ہاں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، اصل میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم، اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً دو تہائی دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 لاکھ 90 کروڑ ہو گئی، مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے، 6 ارب کل آبادی ہے. لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یار ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس آف ہمالیاز. یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے، اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا، اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے. اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرۃ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا. یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑے کھا جائیں گے. جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے وہ جو سانپ کھاتے ہیں ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشیس ڈشز ہیں یہ، سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے پانی پیائے ایک قطرہ نہیں رہے گا اس بار. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب مر جائے، یہ موجزے سے ہوگا، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے موجزے، ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے یہاں گدھ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی. ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی، 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فلماد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی،
और फिर इंतकाल होगा तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में, वहीं पर जहाँ हुजूर और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दफन है, वहीं पर उनको दफन किया जाए। और क़यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं कि मैं और ये तीनों साथ निकलेंगे। तो ये है वाला तो वाक़यात। इससे पहले भी मैं एक क़यामत की निशानियों वाली एक वीडियो पे रिएक्ट कर चुकी हूँ, तभी भी मुझे सुन के ऐसा ही डर लगा था जैसे मुझे आज लग रहा था। मतलब मौत से तो हर इंसान डरता है कि कौन ही चाहता है कि हमारी मौत आ जाए। मौत तो सर्टन है कि वो आनी आनी है, बट फिर भी डर लगता है कि मतलब ना ही आए। अच्छा, जो इन्होंने बोला था कि याजूद वाजूद आएंगे, वो दज्जाल के बाद में आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि जब ईसाई ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद यहूदी भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर याजूद वाजूद आएंगे। तो जो ईसाई ख़त्म होंगे वो आई थिंक दज्जाल के बाद ख़त्म होंगे, ये मुझे नहीं क्लियर हुआ वीडियो में। उन्होंने बोला था कि दज्जाल आएगा, जो दज्जाल आएगा वो यहूदियों की मदद करेगा, जब वो यहूदियों की मदद करेगा तो यहूदी कैसे ख़त्म हो जाएंगे, उनकी तो बल्कि पॉपुलेशन और बढ़नी चाहिए। तो अगर दज्जाल आएगा और यहूदी ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद याजूद मबूद आएंगे, तो पता नहीं, मुझे सच्ची क्लियर नहीं हुई ये चीज़। और मुझे पता ही नहीं है कि मतलब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्योंकि अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यही देखा था कि जब दुनिया ख़त्म होने वाली होगी उस टाइम पे दज्जाल आएगा और वो सबको यही बोलेगा कि मैं मतलब भगवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं गॉड हूँ, द सुप्रीम पावर मैं ही हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, सबको ये कह के वो गुमराह करेगा और उससे लोग उसके पीछे लग जाएंगे और फिर वो यू नो कि दुनिया का अंत करेगा। तो लेकिन अभी जो याजूद मबूद उन्होंने बोला है वो भी आएंगे, फिर वो कब आएंगे, जब दज्जाल अगर पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा उसके बाद फिर वो कैसे आएंगे। फिर इन्होंने बोला ना कि हजरत आएंगे और वो 45 साल तक इस दुनिया पे राज करेंगे, तो वो कौन से हजरत होंगे जो आएंगे उसके बाद में। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे क्लियर नहीं हो रही थी ये वाली वीडियो ज़्यादा। क़यामत की बाकी निशानियाँ मुझे पता चली कि जैसे बच्चे बदतमीज़ हो जाएंगे, बीमारियाँ होंगी, और उसके दज्जाल वाला तो खैर मुझे पता ही है पहले से, बट अभी जो नई चीज़ मेरे लिए आई है वो है याजूद मबूद। याजूद मबूद कौन है पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उनका नाम भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है इस वीडियो में। आप प्लीज़ मुझे उसकी स्टोरी लिखिए, और अगर कोई आपके पास लिंक है तो वो भी शेयर कीजिए, ताकि मैं उसकी वीडियो देखूँ और मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा पता चले कि याजूद मबूद कौन है। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।